बानी पीटर बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बरी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। किसी और केस में मतलूब ना होने पर फौरी रिहा करने का हुक्म। खावर मानिका इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। जिरा में निकाह का दूसरे रोज मालूम होने का इतराफ किया। शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल के बाद क्यों आया? तहरीरी हुक्म। बानी पीटर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की दौड़। लाहौर पुलिस की एक टीम अडयाला जेल में मौजूद। बानी और अहलिया की बरियत पर पीटीआई खुश। फैसला हक और इंसाफ की फतह करार दे दिया। रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। बैरिस्टर गौहर बोले, इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए बनाया गया। बुशरा बीबी की तमाम केसेस में जमानत हो चुकी। बानी पीटीआई के खिलाफ 2 केस थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्की सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पार्टी की कयादत से वसीम मुशावरत का फैसला। मरकजी कयादत का इजलास पीर को तलब कर लिया। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। अहम फैसलों का इम्कान। और कराची में निगलेरिया जरासिम ने एक और नौजवान की जान ले ली। भैंस कॉलोनी का 22 साल नौजवान औरंगजेब जाबहक। शहर में एक हफ्ते के दौरान निगलेरिया से 3 अफराद जाबहक हो गए।